गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल से यूनिट फर्स्ट से कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। इसका मतलब है कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानकारी या मैसेज को भेजा जाता है या लिया जाता है, ठीक है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्लाइड में देखेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। तो इसका पर्पस क्या है? टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, टू कन्वे फीलिंग, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने बताने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करता है ये, टू प्रिज्योरेंस। प्रिज्योरेंस का मतलब होता है एक्ट टू डूइंग समथिंग, ठीक है। देन है टू मेक डिसीजन। डिसीजन मतलब सही डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। देन है टू गिव इन्फॉर्मेशन। अगर हमको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। फिर है टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूस के लिए भी क्या है? कम्युनिकेशन यूज़ होता है। देन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या है? फोर फंक्शन है, इन्फॉर्मेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। अब इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में है इंडिविजुअल एंड वर्क ग्रुप नीड इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन और टू डू देयर वर्क। मतलब कि इंडिविजुअल या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको क्या है? इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे वो डिसीजन लेते हैं और क्या है, अपने वर्क को क्या है, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन में है सोशल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ वे ऑफ एम्प्लॉय टू इम्प्रेस देम सेल्फ। मतलब कि सोशल इंटरेक्शन क्या है? सोसाइटी से इंटरेक्शन, ये भी एक प्रकार का क्या है? कम्युनिकेशन है, जो क्या है, एक वे प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या है, एम्प्लॉय तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। देन है उसके बाद आता है मोटिवेशन। इसका क्या है? कम्युनिकेशन का थर्ड फंक्शन है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर आता है कम्युनिकेशन क्लेरिफाई फॉर एम्प्लॉय व्हाट इज़ टू डन। मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है? क्लियर करता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, हाउ विल दे हैव डन, मतलब कि उनको कैसे करना है, एंड व्हाट कैन बी डन, किस प्रकार से करेंगे तो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बिहेवियर को कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक और फंक्शन क्या है? मोटिवेशन, ये मोटिवेट भी करता है। फोर्थ है इसका फंक्शन कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक्ट टू कंट्रोल इंडिविजुअल। मतलब कि ये क्या है? ये क्या करता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन आते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है चैनल, डायरेक्शन एंड मेथड। चैनल के अंदर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डायरेक्शन के अंदर आता है डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल, और मेथड के अंदर आता है ओरल, रिटन एंड गेस्चर। तो हम लोग इसमें फर्स्ट देखते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियली डिजाइनेटेड चैनल ऑफ मैसेज। मतलब कि ये ऑफिशियली क्या है? डिज़ाइन रहता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो, जैसे कि किसी भी ऑफिस में क्या है, इंफॉर्मेशन को ऑफिस के अंदर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? इंटरेक्शन दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑफिशियली डिजाइनेटेड। मतलब ये ऑफिशियली डिजाइनेटेड नहीं रहता है। इसमें पीयर ग्रुप के लोग या फ्रेंड सर्कल के लोग, इन लोग क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का रे डायग्राम है, जिसमें दिखाया गया है अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजेंटल। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है अपवर्ड। इट इनिशिएटेड बाय दोज एट द लोअर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर पोस्ट में
इंसान जो भी लोअर पोस्ट में रहता है वो क्या करता है, अपने हायर अथॉरिटी को क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, संदेश भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। और डाउनवर्ड में क्या होता है, फ्लो फ्रॉम अपर मैनेजमेंट डाउन टू द एम्प्लॉई, मतलब कि अपर मैनेजमेंट में जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को लोअर रैंक के जो एम्प्लॉई होते हैं उन तक पहुँचाते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, देन आते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में आता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कलीग्स एंड पीयर्स, मतलब कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन या संदेश है उसको क्या करते हैं, हम कलीग्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड आर यूज्ड, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, माउथ के थ्रू क्या है, ओरली बोल के क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन या संदेश को क्या है, पहुंचाते हैं, उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड फेस टू फेस, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक होता है, मतलब टेलीफोन के थ्रू भी ओरल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, वीडियो के थ्रू किया जा सकता है, रेडियो या फिर टेलीविज़न के थ्रू भी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, देन इसमें थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच वॉल्यूम स्पीड एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम जो है लाउड होना चाहिए। ठीक है, स्पीच जो है क्लियर होना चाहिए, जो भी सामने वाला कह रहा है वो क्या है, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, इट ब्रिंग क्विक फीडबैक, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम तुरंत क्या है, फीडबैक ले सकते हैं। इन अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बाई रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं तो हम क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन से और उनके बॉडी लैंग्वेज से हम क्या गैस कर सकते हैं कि वो क्या, उनके ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब उनको कितना हमारा जो कम्युनिकेशन है समझ में आ रहा है। ठीक है, देन है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में है इन फेस टू फेस डिस्कशन यूज इन अनेबल टू डीपली थिंक अबाउट वॉट ही इज डिलीवरिंग, सो दिस कैन बी कंडक्ट एज अ फॉल्ट, मतलब कि हम क्या है, वो अंदर क्या सोच रहा है, फेस टू फेस हम उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं पर वो अंदर, उनके अंदर क्या चल रहा है, हम इसको क्या है, नहीं क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये कभी कभी क्या है, फॉल्ट भी हो जाता है। ठीक है, देन आते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में है इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन साइन एंड सिम्बॉल आर यूज्ड, मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, साइन और सिंबल लिखा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज जो है ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है किसके थ्रू, ईमेल, लेटर या रिपोर्ट के थ्रू। और ये जो है मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, इसको बिजनेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन को। इसका एडवांटेज है मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज, मतलब कि मैसेज क्या है, एडिट रहता है और इसको हम क्या है, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप, मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन जो रहता है वो रिकॉर्ड उसका मेंटेन रहता है और हम उसमें बैकअप पॉलिसी भी रहता है। देन है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, मतलब कि इसमें हम तुरंत क्या है, फीडबैक नहीं ले सकते हैं, थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इट टेक मोर टाइम इन कंपोजिंग अ रिटन मैसेज, मतलब कि रिटन मैसेज को कंपोज करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, थैंक यू क्लास, आगे का क्लास हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।